Science and technology is one of the most ignored subjects for the UPSC prelims. Bhotari questions, we have current affairs, but we cannot get the answers. And the reason is that we do not understand the static concepts well where these questions are based on. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan Chaudhary, I'm in the Indian Revenue Service. And in this video, I am going to solve the science and tech problem. टेक की प्रॉब्लम क्या है हम इसे इग्नोर करते हैं और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं बिकॉज वी डू नॉट है प्रॉपर प्लेस टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक कॉन्सेप्ट बट अगर आप क्वेश्चन देखो फिल्म के तो एवरी ईयर देर आर टेन क्वेश्चन जिसमें से सिक्स सेवन आर ईजीली डूएबल बट हम ये क्वेश्चन मिस आउट करते हैं अगर मैं इसे पॉलिटी से कंपेयर करूँ तो पॉलिटी में देर आर अबाउट ट्वेल्व क्वेश्चन जिसमें से भी आठ के आस पास डुएबल होते हैं बट जो टाइम हम पॉलिटी पे लगाते हैं वर्सेस जो टाइम हम साइंस एंड टेक में लगाते हैं उसमें बहुत फर्क है एवरी क्वेश्चन मैटर्स एंड एवरी मार्क मैटर्स ये जो दस क्वेश्चन हैं इसमें सेवेंटी परसेंट इन्फॉर्मेशन स्टैटिक बेस्ड होती है बट हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ से हम स्टैटिक ढंग से पढ़ सकें उसे अंडरस्टैंड कर सकें एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द रिमेनिंग थर्टी परसेंट ऑफ करंट अफेयर्स बट वी डायरेक्टली मूव ऑन हियर सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू सबसे पहले हमें समझना है कि साइंस एंड टेक इज नॉट इक्वल टू पी टी और एनी अदर करंट अफेयर्स मटीरियल मगिंग अप विल नॉट हेल्प यू यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट आंसर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड ओनली देन मूव ऑन टू करंट अफेयर्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप कंसेप्ट समझो फिर आप करंट अफेयर्स पर जाओ फिर उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन यू हैवे इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन तो हम साइंस एंड टेक में कैसे कर सकते हैं Let's first understand that science and tech is made up of six topics. First topic is biotechnology and health, then there is space and defense, then there is computing, then emerging technologies like nanotechnology, artificial intelligence, etc. And there is intellectual property rights and role of scientists. If you have previous year questions, they can be classified into these six headings. Now, the first topic is biotechnology and health. said this is the most important area. बिकॉज मजारिटी ऑफ़ प्रीवियस क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम दिस एरिया यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट लाइक सेल डी एन ए जेनेटिक्स क्रोमोजोम्स जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि डी एन ए क्रोमोजोम्स और सेल के जेनेटिक्स में क्या इंटरलिंकेज है डी एन ए से आर एन ए कैसे बनता है आर एन ए से प्रोटीन कैसे बनता है जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन डेट आर लास्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हेल्थ के भी आते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस थ्री पेरेंट्स बेबी एंड दे आर ऑल्सो लिंक टू दिस एरिया द सेकेंड मेजर टॉपिक इज स्पेस एंड डिफेंस अब ये जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल और फैक्चुअल लिंकेज से बना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्बिट्स रॉकेट्स इंजिन लाइक स्क्रैम जेट एंड रैम जेट सेटेलाइट्स कैसे वर्क करती हैं मिसाइल्स देयर वर्किंग बलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क है वॉट इज अ न्यूक्लियर ट्रायड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकज ग्रेविटी जिसपे बहुत क्वेश्चन आए हैं ग्रेविट से वी अंडस्टैंड वट इज़ अ ब्लैक होल वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट हाउ डज़ इट वेरी इन स्पेस वाई ग्रेविटी लीड्स टू बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम वट इज द स्पेशल थियोरी ऑफ रेलटिविटी ये जो पिछली पाँच चीज़ें मैंने बोली हैं ऑल ऑफ दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट ये स्पेस एंड डिफेंस के टॉपिक में कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स भी हैं लाइक वॉट आर इंडिया स्पेस मिशन इंडिया के कौन कौन से डिफेंस uh, टेक्नोलॉजी है जो हमें न्यूज में है जैसे कि कुछ मिसाइल्स या कोई नया टैंक या कोई एयरक्राफ्ट और ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस ये चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी है बट ये फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें तभी आ पाएगी जब हमें ये कंसेप्ट पता होंगे नेक्स्ट कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कंप्यूटिंग में वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग एंड इंडिया पोजिशन इन दीज एरियाज वाट आर द मिशन दैट इंडिया इज लॉन्चिंग एंड वॉट इज इंडिया डूइंग फॉर क्वांटम कम्प्यूटिंग एंड सुपर कम्प्यूटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन नैनो टेक्नोलॉजी थ्री डी प्रिंटिंग फाइव जी एंड सिक्स जी टेक्नोलॉजी हमें इन सारी टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑन हाउ दे वर्क और फिर इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए जैसे ब्लॉक चेन की एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी बट देर आर मिलियंस ऑफ अदर एप्लीकेशन एंड हाउ दीज एप्लीकेशंस कैन वर्क ये हमें पता होना चाहिए राइट तो वॉट वी नीड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटलीस्ट इन दिस एरिया इज टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली बिफोर रीडिंग इट्स एप्लीकेशन ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करंट अफेयर्स मैगजीन्स में देखते हैं बट हमें इनका बैकग्राउंड नहीं पता होता द लास्ट थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी इग्नोर्स इज आई पी आर एंड द रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आई पी आर के जो जो टाइप्स हैं उनमें क्या फर्क है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट ये हमें पता होना चाहिए एंड व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडियन साइंटिस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमें पता होना चाहिए इफ वी हैव रेड ऑल ऑफ द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमारा सब्जेक्ट सिर्फ तभी कंप्लीट है इससे पहले करंट अफेयर्स पढ़ के हमारा काम नहीं बनेगा सो वेयर इज द वन स्टॉप सोल्यूशन द वन स्टॉप सोल्यूशन इज द मटीरियल दैट आई मेड फॉर माई कोर्स फॉर प्रलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डोंट वरी आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल माई कोर्स एंड आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है सिंस आई एम इन द सर्विस इट्स कम्प्लीटली फ्री द ऑफरिंग दैट आई एम गिविंग यू इज़ नॉट बेस्ड ऑन मनी और एनी मॉनिटरी रियलाइजेशन द थिंग हियर इज दैट व्हेन आई डिज़ाइन दिस कोर्स आई डिजाइन इट इन द एग्जैक्ट वे वेर सपोज टू स्टडी पहले कॉन्सेप्ट फिर एप्लीकेशंस फिर प्रिवियस ईयर क्वेस्स और फिर उसकी रिविजन इन वन पेज इफेक्टिव मैनर दिस गेव मी अ कॉम्प्रिहेंसिव रेलिवेंट ऑर्गेनाइज एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड मटीरियल टू अंडरस्टैंड साइंस एंड टेक कम्पलीटली जस्ट टू टेल यू अबाउट माई कोर्स इस कोर्स से कुछ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी लोग इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं एंड जस्ट शोइंगस प्रसेंटी ट्वेंटी थ्री दैट वायरेक्टली फ्राम द मटीरियल डेट आई हेड शोड यू अगेन मैं अपना कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू वाई यू शुड रीड दिस एंड दिस विल ऑगमेंट यूर प्रिपरेशन एंड गिव यू द बेस्ट चांस ऑफ स्कोरिंग हाईली इन साइंस एंड टेक मैंने भी ये कोर्स इसीलिए डिजाइन किया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि साइंस एंड टेक का कोई इफेक्टिव मटीरियल एक जगह पर नहीं है सो वट आई हैव डन नाउ इस कोर्स के जितने भी नोट्स हैं आई हैव पुट दैम ऑन वन प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज मैनर ऑन अ वेबसाइट द वेबसाइट इज डब्ल्यू 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 डॉट डॉक्टर शिविन डॉट कॉम एंड लेट मी शो दैट टू यू सो इफ यू गो टू योर ब्राउजर यू कैन सी दिस वेबसाइट ह्योर जिस दिस इज द होम पेज यू कैन गो टू दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैब यहाँ पर आप देखोगे कि सारे लेक्चर पी पी टीज एक जगह पर हैं दे व फोर्टीन लेक्चर्स दैट आई हैड डन एंड इन सारे लेक्चर्स के लिए देर इज अ वन पेजर नोट विच वॉज बेसिकली मेन्ट फॉर इफेक्टिव रिविजन वो आपको यहां मिलेगा तो लेट से यू डाउनलोडेड लेक्चर टू बायोलॉजी सेल एंड जेनेटिक्स एंड इसका आपने नोट्स भी डाउनलोड कर लिया विच वॉज द वन पेजर नोट्स फॉर दिस सो वॉट इज योर एक्सपीरियंस गोइंग टू बी लाइक दिस इज लेट से द फर्स्ट लेक्चर दैट वी डाउनलोडेड सेकेंड क्लास बायोलॉजी सेल्स एंड जेनेटिक्स आपको क्या करना है आपने यहाँ से यू टू स्टार्ट रीडिंग द स्लाइड्स स्लाइड्स में सारी कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑब्वियसली आई एम नॉट टीचिंग यू डायरेक्टली यू आर रीडिंग द स्लाइड्स तो थोड़ा उसमें गैप हो सकता है बट यू कैन फाइंड वट एवर थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड वील डू अ लाइव सेशन फॉर दैट एंड आई क्लियर द डाउट्स फॉर यू तो आप ये स्लाइड्स पढ़ो यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स टॉपिक्सर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ऑफ हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क सेल क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल हाउ डू डी एन एर आर एन ए वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाउ वंस यू हैव रेड दिस हो सकता है आपको यहाँ पे स्लाइड्स का नंबर बहुत ज्यादा लगे बट आप देखोगे कि हर स्लाइड पर कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑन ईट स्लाइड राइट तो जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हम इस लेक्चर को खत्म कर लेंगे वी रेड द स्लाइड्स हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गए द नेक्स्ट स्टेप नाउ इज टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको हर स्लाइड में हर लेक्चर की जो फोर्टीन स्लाइड्स हैं इन ऑल ऑफ दैम आफ्टर द कॉन्सेप्टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको एक टेस्ट दिखेगा ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है जो आपने अभी पढ़ा है सो यू रेड द कॉन्सेप्ट राइट नाउ उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे तो यूल क्वेश्चन इन अ टेस्ट फॉर्मैट यूल सी द्वेश्चन आंसर नहीं होगा फिर एक और क्वेश्चन होगा एंड दीज सिक्स क्वेश्चन विल बी देर सो योर जॉब आफ्टर यू अंडरस्टुड द कॉन्सेप्ट आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए स्लाइड से देन यू हैव टू डू दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ टेस्ट जब आप इसे टेस्ट की तरह सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स विद एन एक्सप्लेनेशन हर स्लाइड में अवेलेबल होंगे सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए आपने तब तक का करंट अफेयर्स कर लिया जब तक मैंने ये कोर्स पढ़ाया था अब आपको करनी है रिविजन और जो बचे हुए करंट अफेयर है उनको कवर करना है ओनली दीज टू थिंग्स आर लेफ्ट तो रिविजन के लिए जो हमने वेबसाइट पर देखा था कि विद द स्लाइड्स देर इज ऑल्सो वन पेजर नोट्स दैट आर अवेलेबल तो इफ यू गो टू द वेबसाइट यहां पर हमने देखा लेक्चर टू बायोलॉजी सेल एंड जेनेटिक्स इसकी हमने स्लाइड्स पढ़ ली पीपीटी हमने अच्छे से समझ ली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीपीटी से कर लिए देन वी गो टू द वन पेजर नोट्स अब वन पेजर नोट्स में यहाँ पर है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट वन देन वी विल डाउनलोड दीज वन पेजर नोट्स जब हम वन पेजर नोट्स डाउनलोड करेंगे वी विल सी समथिंग लाइक दिस तो हमने इस लेक्चर में जो जो समझा था थिंग्स लाइक सेल प्रोकेरियोड्स वर्सेज यूकेरियो में क्या फर्क है वॉट आर द कम्पोनेट्स ऑफ अ सेल एंड वॉट इज देयर जॉब देन सेल बायोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लांट एनिमल सेल का फर्क ह्यूमन रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मीओसिस इन सब में क्या होता है एंड वॉट इज द थ्री पेरेंट्स बेबी ये हमने समझ लिया तो हमारी रिविजन इससे बहुत जल्दी हो जाएगी सो इफ़ यू रेड द पीपीटीज यू कैन रिवाइज फ्रॉम द वन पेज एन नोट्स वेरी क्विकली एंड इससे होगा क्या दैट फॉर दीज फोर्टीन लेक्चर्स अगर मैं मानूँ तो अबाउट फोर्टी पेजेस में आपका पूरा साइंस एंड टेक आपको एक जगह पर मिल जाएगा एंड इन द लास्ट टू वीक्स बिफोर प्रब्लम्स यू कैन रिवाइज दीज फोर्टी पेजेस इन जस्ट थ्री टू फोर आवर्स तीन चार घंटे में आप पूरा साइंस एंड टेक रिवाइज कर लोगे एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व राइट अब नाउ यू रेड the concepts you've done the pyqs you've done the revision right jab aapka ye sara kaam ho gaya sirf current affairs bachenge to aapne yehi karna hai slides download karna hai understand the concepts relevant cs will be done previous year questions will be done one page notes se revision ho jayegi now 14 lectures hain जो मैंने पढ़ाए थे i would say 3 to 4 hours per lecture आप spend करोगे to तो you will be able to understand the concepts and also revise तो आप एक दिन में आराम से दो लेक्चर कवर कर सकते हो इसके बाद जो बचेगा वो करंट अफेयर्स बचेगा फ्रॉम 2023 ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी बट बिलीव यू मी इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स पढ़ने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा एंड करंट अफेयर्स एनी आई एम टीचिंग इन मंथली मैगजीन्स टू यू आप उन मंथली मैगजीन्स में मेरे साथ सारे करंट अफेयर्स कवर कर लो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे सिर्फ न्यू डेवलपमेंट्स वुड बी समथिंग दैट वी नीड टू गेट टू जैसे कि आदित्य एलवान इस बार न्यूज़ में है इसमें जो एलवन है दैट इज द लैंग्रेजियन पॉइंट ये हम स्पेस टेक्नोलॉजी के लेक्चर में समझ चुके होंगे वी वुड अंडरस्टूड वरस्टूड व लैंग्रेजियन पॉइंट इज हाउ इट इज मेड वट इज द इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें सिर्फ नई डेवलपमेंट्स अबाउट दिस मिशन पढ़नी होंगी तो हमारा करंट अफेयर का टाइम भी काफी रिड्यूस हो जाएगा सो नाइन डेज मुझे लगता है इज एन इफेक्टिव टाइम टू कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैं आपको एक प्लान दे देता हूँ फॉर द नेक्स्ट नाइन डेज टू कवर दिस सब्जेक्ट सो so, आज इलेवेंथ है आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी इसमें आप बेसिक्स और सेल बायोलॉजी कवर करिए देन बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन देन वी मूव ऑन टू एप्लीकेशन का पार्ट टू प्लस हेल्थ एंड नैनोटेक ये पार्ट करके हमारा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ वाला पार्ट खत्म होगा साथ में हमारा नानो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगा फोर्टीन को एक ब्रेक लेते हैं फ्रॉम साइंस आप थोड़ा बोर हो जाओगे इतनी सारी साइंस पढ़ के तो इस दिन हम एक मंथली मैगजीन कवर करते हैं आफ्टर दिस वी विल डू स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट वन पार्ट टू देन स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट थ्री क्वान्टम एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देन फाइनली आई पी आर एंड रोल ऑफ साइंटिस्ट ये बहुत छोटा टॉपिक है तो so, जो आपका टाइम बचेगा इस दिन वो आप रिविजन में यूज़ करो एंड ट्यूजडे को आई वॉन्ट यू टू गिव अ टेस्ट ऑफ अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद टेस्ट इसके बाद भी आप थोड़ा टाइम रिविजन में लगा सकते हो देखो फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए जो हमारा प्लान है उसमें हमारे पास सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स बचे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर में मैं एंशियट मेडिवल हिस्ट्री भी इंक्लूड कर रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी आप करो टिल नाइनटीन्थ ऑफ मार्च उसके बाद वी विल भी डूइंग एनवायरमेंट इस ये सब्जेक्ट भी मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था आई विल गिव यू ऑल माई कोर्स नोट्स फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो एनवायरमेंट भी आप मेरे साथ कर सकते हो आई डू वन लाइफ सेशन बीच में टू इन्श्योर कि आपको सब कुछ समझ आता रहे देन वी मूव ऑन टू आर्ट एंड कल्चर एंड एनशियट मेडिवल हिस्ट्री एंड आई एल एनश्योर कि सेवन टू एट डेज में आप आर्ट एंड कल्चर और एंशियट मेडिवल को इतना अच्छे से कवर कर लो दैट अगर आप क्वेश्चन देखोगे यूल है फिफ्टी परसेंट हिटरेट सो वील बी डन विद दीस थ्री सब्जेक्ट्स एंड जितने सब्जेक्ट्स हमारे होंगे फ्रॉम पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री इकॉनमी टू साइंस एंड टेक एन्वायरमेंट एंशियट मेडिवल हम ये सारे कवर कर चुके होंगे इसके अलावा विल बी लेफ्ट विथ करेंट अफेयर्स तो नेक्स्ट थ्री मंथ में साइंस एंड थ्री वीक्स में सॉरी के 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 साथ 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 हम November की magazine Art and Culture के साथ हम हम की 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 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद दो चीजें रह जाएंगी अपडेटेड मटीरियल जो अपडेटेड जोरियल होगा उसको हम पढ़ेंगे अपडेटेड पी टी के दो मटीरियल आते हैं एक जनवरी का आएगा एक का आएगा। जब भी वो रिलीज़ होगा वो भी मैं आपको पे right? तो आपका ये काम भी Ho so we'll be covering everything with an effective plan so your job now is just to do the hard work that is required and you need to sit on your table and work hard focus be dedicated and persevere iske ilawa, i'm doing as much as i can to ensure that your output is the maximum that it can be so all the best to you this is the link of the website www.drshevin.com this you can find in the first comment also and in the description of this video also. Now if you believe in yourself, try to activate your subconscious mind. agar aapne video end tak dekhi hai and aapko ye plan lag raha hai ki aap ise execute karoge and you'll do well in science and tech. I'd ask you to put in the comments, write that I will finish science and tech in the next 9 days. and ये चीज़ आपको खुद को remind करते रहनी है that तो in nine days आपको efficiently इस subject को cover करना है and believe me, science and tech 90% लोग ignore करके जाते हैं. So if you are going to do it you are going to have an edge about above most of the prelims crowd so all the best to you thank you for watching and i'll see you next time